हेलो एवरीवन। तो हम अभी त्रैमासिक परीक्षा में जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। ये पहला जो है वो काव्य खंड का है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो पहले मैं ये भी बता दूं कि इनके अलावा एक एक मार्क्स वाले जो प्रश्न हैं वो भी आएंगे, और अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप एडुस्टेट ऐप पर देख सकते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जहां पर दान रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दूसरा है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तीसरा, कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, विपरीत में लगते इन तथ्यों को का क्या आशय है? चौथा प्रश्न, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? पांचवा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? छठवा है, दिन का थका पंक्ति कैसे जल्दी जल्दी चलता है? छठा है, उड़ने और खिलने की कविता से क्या संबंध बनता है? भाषा में सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? नौवा है, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के लिए का क्या कारण हो सकता है? दसवा है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। 11वां प्रश्न है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उससे अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं? 12वां है, पर्दे पर व्यक्त की कीमत होती है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उसके बाद ये नेक्स्ट है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? दूसरा है, अगला है, कवि किसका उन्माद किया फिरता है? अगला है, जन्म से ही वे अपने साथ लाने हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास के बच्चों को क्या संबंध बन सकता है? 11वां, अस्थिर सुख और दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? 22वां है, बस इतने ही हैं प्रश्न। उसके बाद हम देख लेते हैं काव्य खंड में। उसके बाद हम देख लेते हैं वितान के प्रश्न उत्तर। वितान के जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें से 3 ही चैप्टर हैं, तो उनके फटाफट से जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको देखते हैं। पहला है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने के में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? चर्चा कीजिए। दूसरा है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण सदोदाहरण लिखिए। तीसरा है, यशोधर बाबू क्यों ऐसा सोचते हैं कि बेबी की चंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालते तो अच्छा होता? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास आनंद यादव की मन में कैसे पैदा हुआ? पांचवा, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक का धारणा क्या बदलाव लाया? श्री सौदलेकर के से अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्हें कविताओं के प्रति लेखन में मन में रुचि लगाई। सातवा है, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष पर उन बिंदुओं का प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का नंबर नहीं था, कैसे? अगला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना कहा गया है? 10वां, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये वितान बुक है उसका हमने देख लिया है, और हम फटाफट और हमने जो हमारी जो
खंड भी देख लिया, अब हमें कौन सा भाग देखना है? अब हमें देखने हैं हमारी पाठ्य पुस्तक जो है मेन वाली, उसका, ठीक है, उसका गद्य खंड देखना है। ये देखो है ना, ये रहे। तो यहाँ पहला सवाल है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? दूसरा है, भक्तिन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तीसरा है, पाठ के आधार पर भक्तिन की तीन विशेषताएं बताइए। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपने जेठानी द्वारा घृणा व अपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। पांचवा, बाजार का जादू चढ़ने पर और उतरने पर मनुष्य क्या क्या असर पड़ता है? बाजारूपन का क्या तात्पर्य है? किस प्रकार वह व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किससे है? सातवां है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने से संदर्भ में मन में कई स्थितियां का जिक्र हुआ है। आप उन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों को वर्णन कीजिए। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति है वो। इस रूप में वह एक प्रकार की सामाजिकता क्षमता की भी रचना कर रहा है। आप इससे क्या कहाँ तक सहमत हैं? 19वां है, परचेसिंग पावर को क्या का क्या आशय है? 10वां है, बाजार दर्शन के आधार पर पैसों की व्यंग्यता शक्ति को सौदाहरण समझाइए, तो उदाहरण समझाइए। 11वां, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है, और यह टोली अपने इंद्रसेना को कहकर क्या इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? अब अगला देखते हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना ने इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों पर क्या भिन्नता थी? कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन की दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में यह ध्वनात्मक शब्द और ढोल की आवाज अपने मन में किसी ध्वनि पैदा करते हैं, उनसे शब्द कीजिए। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे गुरु अपने पहलवान नहीं यही ढोल है? ढोल की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? कहानी में किस किस मोड़ पर लुटन ने जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो ये हमारे हिंदी हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस बार त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं, वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो, और सॉल्यूशन चाहिए तो आप एडुस्टेट ऐप पर देख लें, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।